खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ है, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब एसएमएस या व्हाट्सएप से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजे हर महीने का हिसाब एसएमएस या व्हाट्सएप से, खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो और मेरा नाम है अंकित वर्मा। शो की शुरुआत में आपको आज का वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा, किसी स्कूल में दोपहर का खाना बांटा जा रहा है। बच्चों की थाली में जो चीज डाली जा रही थी उसे देखकर आपके मन में सवाल आया होगा, आपका पूछने का जी किया कि ये क्या चीज है जो बच्चे खाएंगे या शायद पिएंगे। हम ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एक खबर आई है। खबर ये कि मिर्जापुर के एक स्कूल में 32 बच्चों के बीच 1 किलो चावल की तहरी बांट दी गई। तहरी जिसे वेब सीरीज की भाषा में डिसअपॉइंटमेंट भी कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मझवा विकास खंड के बरैनी गांव के प्राइमरी स्कूल में तहरी के नाम पर जो बांटा गया उसे देखकर डिसअपॉइंटमेंट भी डिसअपॉइंट हो जाए। क्लास में 68 बच्चे थे, 32 बच्चे स्कूल आए थे जिनके लिए सिर्फ 1 किलो चावल में तहरी बना दी गई। अब मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते मिले कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन हम अपनी बेसिक शिक्षा से आपको बेसिक मैथ्स के कुछ आंकड़े दे देते हैं। 1 किलो चावल यानी 1000 ग्राम चावल, 32 बच्चों के बीच जब 1000 ग्राम चावल की तहरी बढ़ती है तो एक बच्चे के हिस्से में आता है 31.25 ग्राम चावल। 100 ग्राम चावल से लगभग 111 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब इस पानी मिले चावल और 1-2 रोटियों से इन बच्चों का कौन सा पोषण हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद अब बारी है आज के दिन की सुर्खियों की। निर्भया केस के दोषी जान बचाने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रहे हैं। 3 मार्च को फांसी की तारीख है, इस बीच फिर से नया हथकंडा आया है। एक दोषी पवन ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है, अपनी सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। एक बार फिर घटना के समय नाबालिग होने की दलील दी है। पवन गुप्ता ने अब तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका लगाई थी और ना ही राष्ट्रपति से दया की गुहार की थी। अब ऐन मौके पर यह याचिका लगाकर वो वापस कुछ दिनों के लिए फांसी टालने की कोशिश कर रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए, जानते हैं ये कितना पैसा होता है? अगर मैं पूछूं कि इसमें जीरो कितने लगेंगे तो बताने में आपको 2 मिनट लगेंगे। अब इन पैसों की वैल्यू उन निवेशकों से पूछिए जिनके ये पैसे डूबे हैं। कारण कोरोना वायरस के खौफ से शेयर मार्केट धराशाही हो गया। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 400 अंक से ज्यादा गिर गया। दिन के अंत में सेंसेक्स 1448 अंक टूटकर 38,297 के स्तर पर बंद हुआ। नवंबर 2016 के बाद यह सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर बाजार में यह 11 सालों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट बताई गई, जिसके कारण निवेशकों के 6 लाख करोड़ से अधिक की रकम डूब गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सरकार का बजट पेश किया। बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है। इस बजट को मनोहर बजट नाम दिया गया था। बजट कुल मिलाकर 1,43,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया। बजट में हरियाणा पर 1,98,700 करोड़ रुपए का कर्ज भी बताया गया। सुर्खियों में महाराष्ट्र में सरकार का फैसला है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण मिलने की खबर आई। उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आज इसका ऐलान किया। बताया हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द कानून बनाने की बात कही गई। पिछली फडणवीस सरकार पर निशाना भी साधा गया। अब इस आरक्षण पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। अंततः
अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। एनएसओ का डाटा आया जिससे तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट में सुधार की बात आई। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट सुधरकर 4.7% पर आ गई, यानी दिसंबर 2019 के महीने में जीडीपी की दर 4.5% से 0.2% बढ़ गई। कहने को तो यह आंकड़ा बहुत छोटा सा है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था 6 तिमाहियों से जीडीपी के मामले में गिरती ही जा रही है, उसके लिए ये राहत की बात है। और अब बात आज के दिन की बड़ी खबर की। बड़ी खबर में अब बात दिल्ली हिंसा की। रोज की तरह बताने को हमारे पास आंकड़े हैं। अब तक 42 मौत हो चुकी है। पुलिस यह आंकड़ा 38 मौतों का है। पुलिस ने अब तक 123 FIR दर्ज की है, 630 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने जनता से सबूत जुटाने के लिए नंबर जारी कर दिए हैं। लोगों से अपील की है कि फेक वीडियो न फैलाएं। आज दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातें बताई, सुनिए। अभी जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, अभी तक हमने 123 FIR दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्संस या तो अरेस्ट कर चुके हैं या डिटेन कर चुके हैं। जितने भी फुटेज हैं, एविडेंस है, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी फुटेज हमें हमारे पास आ चुकी है, उसका एक रिव्यू किया जा रहा है और जो इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी ही जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे मूव करेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। दिल्ली के पास कमिश्नर के नाम पर नया नाम आ गया है। नेता रूटीन राजनीति पर लौट आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को राजधर्म याद दिलाया जा रहा है। क्या राजनीति चल रही है? कांग्रेस की ओर से एक खबर आई। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की एक टीम बनाई है, उसे दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कहा है, जिसके बाद ये नेता एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेंगे। इस टीम में मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर और सुष्मिता देव जैसे नेता शामिल हैं। पर बात इस टीम की नहीं हो रही है, सोनिया गांधी के एक बयान की हो रही है। सोनिया गांधी ने कल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था। सरकार को राजधर्म का पालन करने सरीखी बातें कही थी। राजधर्म वाली बात भाजपा को चुभ गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आए और राजधर्म की बात पर कांग्रेस को यह जवाब दिया। कल कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गई थी और हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है। आपके नेताओं ने भी बार बार खुलकर स्टैंड लिया था। इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों को मदद की थी इदी अमीन के समय, राजीव गांधी ने तमिल लोगों को मदद किया था श्रीलंका की समस्या के समय। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? आपको सोनिया जी इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को दिए बयान का जिक्र किया। इस पार और उस पार की लड़ाई वाली बात याद दिलाते हुए पूछा, ये कैसी भाषा है? सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए, रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं, सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। जब बात उस बयान की चली तो आपको सोनिया गांधी की उस स्पीच का वो हिस्सा भी सुना ही देते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। वीडियो में सोनिया गांधी घरों से बाहर निकलकर आंदोलन की बात कर रही हैं। देश को बचाने के लिए संघर्ष सरीखी बातें कह रही हैं। जब दिल्ली दंगों में जल रही है उस समय इस पूरे बयान की याद दिलाकर भाजपा नेता अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं। बड़ी खबर में अब बात करते हैं प्रशासन की।
हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जगह जगह दोनों समुदाय के बुजुर्गों को साथ लेकर अमन कमेटी की बैठकें कराई जा रही हैं। करावल नगर का चांदबाग इलाका भी दंगा पीड़ित था। पिछले 5 दिनों से यहां दुकानें बंद रही, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है। इस इलाके में दुकानें खुलने लगी हैं, लोग घरों से निकलने लगे हैं। स्थिति सामान्य होने के बाद तो कही जा रही है, लेकिन जाफराबाद, मौजपुर, फजनपुरा, चांदबाग, गोकुलपुरी, खजूरी खास, यमुना विहार में आज भी तनाव की बात कही गई। वैसे इन इलाकों से आज के दिन कोई अप्रिय समाचार नहीं आया। हिंसा जब थम गई है तो धीरे धीरे हिंसा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी सामने आ रही है। इनमें कई बातें परेशान करने वाली हैं, लेकिन हम आपको एक अच्छी बात बताएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही सटा हुआ है गाजियाबाद, लेकिन गाजियाबाद में हिंसा नहीं हुई, यहीं से आई है अच्छी खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक हिंसा के दौरान गाजियाबाद पुलिस ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आकर लोगों की मदद की। अखबार के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि उनके पास मंगलवार से मदद के लिए दिल्ली से 50 कॉल्स आई। इसकी वजह से पुलिस वाले उनकी मदद को आए, उन्हें बचाया और दोस्तों रिश्तेदारों के घरों तक पहुंचाया। एक अपडेट दिल्ली पुलिस से भी जुड़ा है। फोर्स के कमिश्नर अमूल्य पटनायक 29 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह लेंगे एसएन श्रीवास्तव, पूरा नाम सचिदानंद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव 2016-17 से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में थे। वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे। दिल्ली में हिंसा लगातार जारी थी तो 25 फरवरी के दिन गृह मंत्रालय ने उन्हें दिल्ली बुलाकर स्पेशल कमिश्नर बना दिया था। श्रीवास्तव 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनका काडर था अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। शॉर्ट में इसे ही यूनियन टेरिटरीज काडर कहा जाता है। वो पहले भी दिल्ली में तैनात रह चुके हैं, तब वो इंडियन मुजाहिदीन पर कार्रवाई करने के लिए बनी टीम का हिस्सा थे। जिन चर्चित मामलों पर उन्होंने काम किया वो हैं 1997 का बिहार चारा घोटाला, 2002 का गोधरा ट्रेन बर्निंग केस, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। श्रीवास्तव से एक विवाद भी जुड़ा रहा है। 20 मार्च 2013 को उन्होंने लियाकत अली शाह नाम के एक शख्स को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। शाह पर आरोप था कि वो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस का दावा था कि शाह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा एक सक्रिय आतंकवादी है और उसकी योजना दिल्ली पर मुंबई 26/11 जैसा हमला करने की थी। विवाद तब खड़ा हो गया जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि शाह सरेंडर करने ही जम्मू कश्मीर जा रहा था। तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। इस मामले की जांच फिलहाल चल रही है। अतीत से वर्तमान पर आते हैं। श्रीवास्तव ने आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और प्रेस से भी बात की, सुनिए। पिछले 60 घंटों से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। यद्यपि हमने आज जुम्मे के नमाज के लिए सभी प्रकार के इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में जो हम एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था, शांति मार्च किया था, लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जो हमारे ऑफिसरों ने बढ़ चढ़ कर के आगे जा कर के लोगों से बातचीत की है, उससे हमें यही मिला जो हम समझ पाते हैं कि सभी अमन चैन चाहते हैं और उन्होंने जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं उनको उसका सराहना भी किया और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमन चैन बहाल हो जाए। अभी भी वैसे सब शांति है। दिल्ली में कई लोगों ने दंगाइयों को लेकर कहा है कि वो उन्हें जानते नहीं थे। ये आरोप लग रहा है कि बाहरी लोग हिंसा में शामिल थे। जब इस पर श्रीवास्तव से सवाल किया गया तो वो ये बोले, See, we have registered over 100 cases of rioting and we are investigating those cases and I would not like to comment on anything until I have some sufficient reasons to say so. But once the investigations have reached a sufficient progress, then we'll be able to... Commissioner sahab se Tahir Hussain ko lekar bhi sawal kiya gaya, to unka jawab ye tha. Ab tak hum 100 se zyada केसेस जो रायट्स मर्डर्स के केस हमने रजिस्टर कर लिया है। 2 SITs बनाए हैं जो क्राइम ब्रांच के तहत हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं किसी एक केस के बारे में नहीं बात करूंगा। हर कोई जो कल्प्रिट रहा है और किसी ने इस रायट्स में भाग लिया है उसको हम कानूनी सजा दिलवाएँ, तो कानूनी प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में इस दिशा में हम काम करेंगे।
अब बात करेंगे दिल्ली हिंसा के चलते चर्चा में आए उन नामों की जो आज दिन भर टीवी पर सुने गए। सबसे पहले चर्चा ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ताहिर के घर से पत्थरबाजी हुई। कुछ वीडियोस के आधार पर यह दावा भी किया गया कि ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम चले। ताहिर के घर से कई पत्रकार रिपोर्ट कर चुके हैं, उनकी छत पर कई पत्थर और बोतलें नजर आई थी। दिल्ली हिंसा में ताहिर पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम अंकित शर्मा के परिवार ने लगाया था। परिवार का आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर के घर ले जाकर मारा गया होगा। इस आरोप की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामले में FIR दर्ज हो चुकी है जिसमें ताहिर हुसैन का नाम भी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को निर्दोष साबित होने तक सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज ताहिर के घर पहुंची। पुलिस की फॉरेंसिक टीम अब साक्ष्य जुटाएगी। चर्चा में दूसरा नाम था अंकित शर्मा का। दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित लापता हो गए थे। परिवार का आरोप है कि वो घर से बाहर निकले तो एक भीड़ उन्हें अपने साथ खींच कर ले गई थी। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। आज दिन भर टीवी पर यह खबरें चली कि अंकित के शरीर पर 400 जख्म थे, कहीं 450 तो कहीं 250 तो कहीं 200 का आंकड़ा भी चला। भाजपा नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने ट्वीट में 400 घावों की बात की है। हम इनमें से किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं कर पाए। हर जगह सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि अंकित के शरीर पर कई सारे जख्म मिले। हर किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ जो हुआ उस पर गुस्सा जायज़ है और जो भी इसके पीछे था उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन बार बार बिना पुष्टि 400 के आंकड़े की रट किसी की मदद नहीं कर रहा, वो भी तब जब दिल्ली हाल में हुई हिंसा से उबरने की कोशिश कर रही है। चर्चा में तीसरा नाम रहा शाहरुख का। ये वही लड़का है जिसका तमंचा लहराता वीडियो पूरे देश ने देखा। 24 फरवरी को आए इस वीडियो में एक पुलिस वाला भी नजर आता है जो तमंचे के बावजूद पीछे नहीं हटा। वीडियो के वायरल होने के बाद खबरें आई कि शाहरुख को पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने अपना स्टैंड बदल लिया है। पुलिस कह रही है कि शाहरुख उनके पास नहीं है, उसे खोजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस, शांति, सेवा, न्याय। अगली खबर की शुरुआत आपको एक तस्वीर दिखाकर करते हैं। यह तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी। एक गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोग दिख रहे हैं और उनके पीछे इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ विमान है। तस्वीर दिसंबर 1999 की है। लोकेशन अफगानिस्तान का कंधार है। नेपाल से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और कंधार ले गए थे। अफगानिस्तान में उस वक्त सरकार थी तालिबान की। विमान और यात्रियों को छुड़वाने के लिए भारत सरकार को तालिबान की मदद लेनी पड़ी थी। बदले में भारत की जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर को छोड़ा गया था। वही मसूद अजहर जिसने जैश ए मोहम्मद संगठन बनाकर भारत में कई बड़े हमले करवाए। ये किस्सा आपको आज के दिन इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि तालिबान के साथ भारत अपनी पुरानी दुश्मनी अब भुलाने की तैयारी में है। 1999 की हाईजैकिंग वाली घटना के बाद कभी भी भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान से बात नहीं की, लेकिन अब ये बदलने जा रहा है। अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी को होने वाले शांति समझौते में भारत का नुमाइंदा भी मौजूद रहेगा। कतर सरकार के निमंत्रण पर भारत के कतर में राजदूत पी कुमारन बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। कतर में 29 फरवरी को क्या होगा? इस दिन कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अगर बातचीत कामयाब रहती है और शांति समझौतों पर दोनों तरफ से हस्ताक्षर हो जाते हैं तो अमेरिका का अफगानिस्तान में 18 साल से चल रहा युद्ध खत्म हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था क्योंकि 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से तो हटा दिया लेकिन 18 साल के युद्ध के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। अफगानिस्तान में तालिबान से युद्ध अमेरिका के लिए सबसे लंबा और खर्चीला बन गया था, इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। शुरुआत में भारत अमेरिका और तालिबान की बातचीत के पक्ष में नहीं था क्योंकि भारत की कुछ जायज चिंताएं थी। तालिबान के पाकिस्तान से अच्छे संबंध माने जाते हैं और अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने की सूरत में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ने की आशंका है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद भारत ने अमेरिका और तालिबान की बातचीत में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अफगानिस्तान भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। भारत अफगानिस्तान में पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता, इसलिए तालिबान के साथ कतर में बैठक से पहले भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अफगानिस्तान के दौरे पर गए हैं ताकि तालिबान के साथ साथ अफगान सरकार को भी भरोसे में
रख सके। दिल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए दिल्लन टॉप।